वो दो प्रॉपर्टीज तो पता ही है, बीपीटी तो पता है सब लोगों को. बीपीटी इज बेसिकली बेस्ड ऑन इफ अ पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट अ ट्रायंगल इन सच अ वे इट इंटरसेक्ट टू डिफरेंट साइड्स पी एंड क्यू एंड देन उनके रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. चलो तो अभी उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, रीड द क्वेश्चन नंबर थ्री. इन फिगर 6.18 ये डायग्राम आपको दिया हुआ है. 6.18 इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी. तो ये जो एल एम है क्या दिया है, पैरेलल. सो ये और एल एम, एल एम मीन्स ये एल एम इज पैरेलल टू सी बी. ये हो गया हमारा सी बी. एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी. एल एन मीन्स ये वाला एल एन इज पैरेलल टू ये है हमारा डी सी डी. ओके, प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी. अब पैरेलल दिया है तो हमें ढूंढना क्या है कि अच्छा अगर आपको दिख रहा है कि पहले केस में, पहला केस क्या है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी. तो फर्स्ट इस वाले केस को देखते हैं जो गिवन है, एल एम और सी डी आपस में क्या है, सी बी ये पैरेलल है. तो कौन सा ट्रायंगल हुआ, ए सी बी. कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी. क्यों ए सी बी लिया, क्योंकि जो दो ट्रायंगल्स आपस में आई मीन दो साइड्स जो पैरेलल हैं, कौन से एल एम और सी बी, वो कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ए सी बी. करेक्ट. अब ए सी बी ट्रायंगल में चूंकि एल एम पैरेलल है बी सी के और वो दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एल और एम पे, तो अकॉर्डिंग टू बी पी डी क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए एम अपॉन एम बी विल बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी. ये हो गया आपका बीपीटी थ्योरम की वजह से. करेक्ट. इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे जो दूसरी कंडीशन दी है, एल एन पैरेलल टू सी डी. एल एन पैरेलल टू सी डी. अब एल एन सी डी की अगर पैरेलल है तो कौन सा ट्रायंगल आ रहा है जो एल एन और सी डी एक ही में आएगा, ए सी डी. तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी. अच्छा इसको इक्वेशन मैंने वन बोल दिया, बीपीटी बाद में लिखते हैं, इक्वेशन वन. और ये बीपीटी की वजह से ही हमने ये रेशियोज इक्वल लिखा है. ठीक है. अब किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ए सी डी ट्रायंगल की. ए सी डी एल एन क्या है, पैरेलल है सी डी के, तो रेशियोज इक्वल होगा. कौन सा रेशियो इक्वल होगा, ए एन अपॉन एन डी. ए एन अपॉन अपॉन एन डी विल बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी. ए एल अपॉन एल सी ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन. ये भी आपका कैसे आया, बीपीटी की वजह से आया. नाउ अब आप इक्वेशन वन एंड टू को कंपेयर करो. दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में ए एल अपॉन एल सी आया, यहाँ पे भी ए एल अपॉन एल सी. तो अगर दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड इक्वल है तो एल एच एस भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल. तो यू विल राइट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आपका क्या हो जाएगा, इक्वल ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी. करेक्ट. लेकिन क्वेश्चन में ए एम अपॉन ए बी है, हमारा क्या आया, ए एम अपॉन एम बी. ए एम अपॉन एम बी छोटा वाला पार्ट. और हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन पूरा वाला. तो आप लोगों को मैंने जब तीन मेन प्रॉपर्टी बताई थी उस टाइम पे बताया था कि जो मेन बीपीटी थ्योरम है उसमें अगर हम प्लस वन करेंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ और आएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड प्लस वन करना पड़ेगा. सो अगर हम दोनों साइड प्लस वन करेंगे, लेट्स सी क्या आता है. तो हमारा रिजल्ट फाइनली क्या आया, हमारा रिजल्ट आया है ए एम अपॉन एम बी आ गया है. तो लाना क्या था, ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में क्या है ए एम, यहां पे भी क्या है ए एम, नीचे क्या है ए बी, बट नीचे क्या है एम बी. तो जिसको चेंज करना है हमें पहले उसको कहां पे लेके जाना होता है, न्यूमरेटर में. तो हम यहां क्या करेंगे, रेसिप्रोकल. तो ये आ जाएगा हमारा एम बी अपॉन ए एम. करेक्ट. इज इक्वल्स टू
एन डी अपॉन ए एन। अब हमें क्या करना है, प्लस वन ऐड करना है दोनों साइड। तो यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। नाउ एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम क्या हो जाएगा, ए बी, करेक्ट। तो ये हमारा क्या आ गया, ए बी अपॉन नीचे क्या है ए एम इज इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन इज ए डी अपॉन ए एन, करेक्ट। अब क्वेश्चन में जो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, ए एम अपॉन ए बी, ए एम नीचे है ए बी ऊपर है, वापस से एक बार फिर क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, हेंस प्रूफ। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में अगर देखो, ये तो हमें पता है बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, अगर मैं किसी भी ट्रायंगल की बात करूं, अगर ये ट्रायंगल है और ये मान लो डी और ई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए बी सी, तो बीपीटी क्या कहता है, ये छोटा वाला साइड अपॉन छोटा वाला साइड, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए ऐसा आ जाए ए डी अपॉन पूरा बड़ा वाला ए बी, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, प्लस वन करना पड़ता है। और अगर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है पूरा वाला ए बी अपॉन ए डी, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, माइनस वन करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्लस वन, अभी यहां पे देखो क्या हुआ, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। आप बोलोगे सर ए एम तो आ गया, हमारा एम ए बी नहीं आया। ठीक, तो कैसे पता चलेगा कि रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल कब करना होता है, जो आ चुका है हमारा ए एम वो हमेशा नीचे रहेगा, मतलब जो जिसको हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस वन करते ही न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, हाँ है ना, प्लस वन करते ही न्यूमरेटर क्या हो जा रहा है, एम बी से क्या बन जा रहा है, देखो ए एम बन जा रहा है, ए बी बन जा रहा है, करेक्ट। एम तो चेंज जिसको करना होता है उसको हमें न्यूमरेटर में रखना होता है, जिसको चेंज नहीं करना होता है हमें उसको डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ गिवन क्या है, 6.19, इसमें डी ई पैरेलल दिया है एसी के, अच्छा डी दिया है पैरेलल एसी के, ये वाला डी और एसी पैरेलल दिया है। तो पहले जो पहला केस है उस केस के लिए हम बीपीटी अप्लाई करते हैं, डी और एसी आपस में क्या है, पैरेलल। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें डी ई और एसी दोनों आता है, ट्रायंगल ए बी सी, राइट। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, ए बी सी, तो अभी कौन से साइड को देखना है, ए ई और ए सी को, किसको, ए ई और ये वाला ए ई और सॉरी नॉट ए ई, क्योंकि डी ई और ए सी पैरेलल है ना, तो डी ई और ए सी को देखना है। तो ये जो ए ई वाला साइड है और डी एफ वाला साइड है उसको भूल जाओ। तो अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल है आपस में, तो क्या होगा बीपीटी के हिसाब से, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, क्यों, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, नाउ अब दूसरा ट्रायंगल दूसरे कंडीशन के हिसाब से, दूसरा कंडीशन क्या दिया है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, ठीक है, अब इसको भूल जाओ। अब दूसरा पैरेलल कौन सा दिया है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ कौन सा है, ये वाला, और ए ई कौन सा है, ये वाला। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया और ये हो गया। तो कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल लाइन आएंगी, ट्रायंगल ए बी ई, सी नहीं लेना है, ए बी ई लेना है, राइट, तभी तो ये दो साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, अब इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स क्या दी हैं, पैरेलल, और ये साइड ने इसको डी और एफ में इंटरसेक्ट किया है, तो बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, क्या होगा बीपीटी थ्योरम के हिसाब से, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू
बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन कौन से थ्योरम की वजह से, बीपीटी। नाउ इक्वेशन वन एंड टू को अगर आप कंपेयर करो, बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी, दोनों में सेम एलएचएस क्या है इक्वल, तो आरएचएस भी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल, तो डायरेक्टली यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आपको क्या मिल जाएगा, बी अपॉन ईसी विल बी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, राइट। और हमको यही लाना था बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, इसको रीअरेंज करके लिख दो, पहले इसको लिख दो बी एफ अपॉन, बी एफ अपॉन एफ ई है ना, हाँ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई सी, राइट करेक्ट। फोर अभी इसको इसके इक्वल लिखो या इसको इसके इक्वल लिखो, बात एक ही है। सो स्ट्रेटेजी क्लियर है, आपको पहली कंडीशन गिवन होगी, वो कंडीशन क्या गिवन होगी, पैरेलल, ठीक है। अब देखो दो साइड्स कौन कौन से पैरेलल थे, डीई और एसी आपस में क्या थे, पैरेलल। तो मैंने ये ढूंढा कि डीई और एसी ये जो दो पैरेलल साइड्स है वो किस ट्रायंगल के अंदर आएगा, तो डीई और एसी अगर मैं इसको रफ करूं तो डीई और एसी, डीई ए है और एसी ए है, करेक्ट। छोटी कौन सी साइड है, डी, बड़ी उस साइड कौन सी है, ए सी। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों आएगा, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें कि ये दोनों आएगा, क्योंकि हमें कौन सा शेप चाहिए है बीपीटी लगाने के लिए, कुछ इस तरह का शेप चाहिए होता है जिसमें कि ट्रायंगल के ये दो साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। तो कुछ इस टाइप का शेप ढूंढना होता है हमको, ठीक है, और बहुत आसान है, जैसे जैसे करते जाएंगे तुम्हें खुद आइडिया लगता जाएगा कि कौन सा ट्रायंगल ले अगर दो साइड्स पैरेलल गिवन है, क्लियर है। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके फिफ्थ में क्या दिया है, 6.20 डी पैरेलल टू ओक्यू, देखो सब में वही दिया हुआ है, दो कंडीशन दी है, डी और ओक्यू क्या है आपस में, पैरेलल। तो सबसे पहले जो पैरेलल गिवन है फर्स्ट कंडीशन उसके हिसाब से पहले ट्रायंगल ढूंढो, डीई और ओक्यू क्या है, पैरेलल। डी कहां गया, ये रहा डीई, ओक्यू कौन सा है, ये रहा ओक्यू, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल है तो ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ट्रायंगल पी ओ क्यू ले लो, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है। पी ओ क्यू ट्रायंगल में जब ये पैरेलल दिया है तो रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल, कौन सा, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू पीई अपॉन ई क्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन बीपीटी की वजह से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कौन सा दिया है, दूसरा डी एफ पैरेलल टू ओ आर, कौन सा, ये वाला डी एफ, ठीक है, इसको भी रफ कर दो। नाउ डी एफ, ये डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ये इसके पैरेलल दिया है, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इस ट्रायंगल में रेशियो इक्वल लिखना है बीपीटी के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ विल बी इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, यह है इक्वेशन टू, सेम किस वजह से, बीपीटी की वजह से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशन से आपको क्या रिलेशन मिला एक नया, देखो पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस दोनों इक्वेशन के क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल। सो पी ई अपॉन ई क्यू विल बी इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब इस रिलेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, पीई कौन सा, ये वाला पीई अपॉन ई क्यू, करेक्ट, इज इक्वल्स टू पी एफ, ये वाला, अच्छा पहले इसको रफ कर दो नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ऑलराइट,
सो पी एफ अपॉन एफ आर, बेटा छोटा वाला डिवाइड बाय ये दिस छोटा, नेक्स्ट साइड का दिस छोटा डिवाइड बाय दिस छोटा, ये कब होता है, जब ये वाली लाइन क्या होती है, इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगी, राइट। दैट मींस इसमें कौन सा थ्योरम लग रहा है, कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। तो इस रेशियो के बाद डायरेक्टली लिख दोगे बाई बीपीटी कन्वर्स थ्योरम ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो ये रेशियो कन्वर्स बीपीटी थ्योरम हमारा क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के ये साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं तो दैट मींस ये साइड और नीचे वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल, और वही दिया हुआ है, ठीक है। आया समझ में वाला क्वेश्चन, आया सीओ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन में दिया है कि इन फिगर 6.21 इस फिगर में ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अगर आप ध्यान से देखो, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो ये वाली साइड ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो ये जो दो साइड्स है पैरेलल, वो कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ट्रायंगल ओ क्यू पी, यस और नो? सो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, सो इस ट्रायंगल में जब ये दो पैरेलल है तो बीपीटी क्या कहता है, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी विल बी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सेम प्रॉपर्टी बीपीटी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट कौन से दो साइड्स की बात की गई है पैरेलल, ए सी और पी आर, ए सी ये वाला और पी आर ये वाला, तो कौन सा ट्रायंगल आएगा जिसमें ए सी और पी आर दोनों पैरेलल है, ट्रायंगल ओ पी आर। सो इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर में कौन सा हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी विल बी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, कैसे, बीपीटी से। नाउ सेम वही फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू कुछ रिलेशन नया मिला। ये देखो ओ ए अपॉन ए पी दोनों इक्वेशन में एल एच एस में इक्वल है, तो आर एच एस भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, दैट मीन्स ओ बी अपॉन बी क्यू विल बी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। इस नए रिलेशन से क्या मिला आपको, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, कौन सा, ये वाला ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। तो ये कौन से ट्रायंगल में दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ओ क्यू आर, तो ओ क्यू आर ये प्रॉपर्टी कब होती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। सो बाय कन्वर्स ऑफ ऑफ बीपीटी यू कैन से दैट बीसी विल बी पैरेलल टू क्यू आर, बीसी विल बी पैरेलल टू क्यू आर। आपको डायरेक्टली बस लिख देना कन्वर्स, एसी और पीआर पूछा है, हाँ बीसी और क्यू आर, ठीक है, बीसी और क्यू आर पूछा था, तो बीसी और क्यू आर आपस में क्या हो गए, पैरेलल, राइट। तो हमेशा जब क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस में दिया होगा, गिवन क्या दिया होगा, क्या गिवन होगा, पैरेलल दिया होगा। जब दो साइड्स पैरेलल दी होगी तो दोनों साइड पैरेलल में आपको ढूंढना है ट्रायंगल कौन सा है, कौन से ट्रायंगल में वो दोनों साइड्स पैरेलल आ रही हैं। और दूसरी चीज या तो क्या गिवन होगी, रेशियोज इक्वल दिया होगा, और अगर रेशियोज इक्वल दिया होगा तो आपको क्या ढूंढना है कि कौन से ट्रायंगल में ये अप्लाई हो रहा है, राइट। रेशियोज इक्वल दिया मतलब कि दो साइड्स क्या होंगी फिर, पैरेलल, या पैरेलल साइड्स ही होंगी तो क्या होगा, रेशियोज इक्वल दिया होगा, सो कन्वर्स दिया होगा और बीपीटी दिया होगा, ठीक है। सो स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेवन, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल है,
ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं पहले क्या बोला इन्होंने वन बाय वन। ओके नाउ अब इन्होंने क्या बोला है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, 6.1 थ्योरम कौन सा है हमारा? बीपीटी थ्योरम ही है। बीपीटी थ्योरम को यूज करना है हमें और प्रूव करना है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। सो मान लो ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। अब एक लाइन ले लिया मैंने, मान लो ठीक है। नाउ क्वेश्चन में जो लिखा है सर, सारे वर्ड को वन बाय वन पढ़ के समझो। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मान लो एक साइड ट्रायंगल का ये है, इसका एक ये मिड पॉइंट है, ये मैंने मिड पॉइंट एज्यूम किया। ठीक है, ये गिवन है कि ये डी एक ये मिड पॉइंट है, इसका नाम दे दिया डी। अब इस मिड पॉइंट से एक लाइन हमको ड्रॉ करना है और वो ऐसा होना चाहिए है कि जो थर्ड साइड है उसके ये क्या होना चाहिए है, पैरेलल होना चाहिए है। ठीक है, तो पैरेलल पैरेलल लग रहा है। ठीक है, नाउ तो ये डी पॉइंट क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट। दैट मींस एडी और डीबी क्या है, आपस में इक्वल। और ये दो लाइन, ये रेड वाली और ये नीचे ग्रीन वाली, आपस में क्या है, पैरेलल। ये दो कंडीशन गिवन है। प्रूव ये करना है कि ये जो थर्ड साइड है उसको यहां पे कट करेगी, मतलब ऐसे कट करेगी कि क्या होगा, दूसरे साइड को वो बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। दैट मींस कि ये जो ई है एसी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। और थ्योरम कौन सा यूज करना है, थ्योरम 6.1। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या आएगा, रेशियोज इक्वल होंगे। चलो लिख लो। सो एडी अपॉन डीई डीबी will be is equals to AE upon EC, correct? Also AD equals to क्या दिया हुआ है, DB। ठीक है, also AD और DB क्या दिया है, equal। अब इस property को अगर हम इस question में use करें, AD और DB आपस में क्या है, equal। तो AD और DB आपस में equal है, तो लिख दो यहाँ पे AD upon DB is equals to AE upon EC। अगर ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो AE upon EC is equals to क्या आया, 1। AE upon EC is equals to क्या आया, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AE is equals to क्या आ गया, EC। और AE अगर EC के इक्वल आ गया तो यही तो क्वेश्चन पूछा था, hence proof। आया समझ में, इजी था ये तो, सबसे इजी क्वेश्चन था। बस इस थ्योरम को रीड करना और इसको प्लॉट करना वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट था। एक बार मैंने बता दिया, अब एक दो बार और क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम को ना वन बाय वन पढ़ना होता है, उसको डिकोड करके उसका डायग्राम वन बाय वन आपको एनालाइज करते रहना है। एनालाइज करना है कि क्या पूछा, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू द मिड पॉइंट। कहाँ से ड्रॉ करनी है, मिड पॉइंट से। किसके, कौन सा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मान लो ये वाले साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, कैसे करनी है, पैरेलल टू द एंड ऑफ द साइड, इस साइड के पैरेलल ड्रॉ करनी है, करेक्ट, और इंटरसेक्ट द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करती है, बट कैसा, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। यूजिंग थ्योरम 6.2, 6.2 कौन सा थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ अ बीपीटी। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, तो ये तो हम लोगों ने नाइन्थ में किया था ऑलरेडी, देखो यहाँ पे लिखा भी है, रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन द क्लास नाइन्थ। चलो तो ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी।
सो प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड. सो मान लो ए बी का मिड पॉइंट हमारा क्या है, ये है डी, और डी सी का मिड पॉइंट क्या है, लेट सपोज ई, और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो थर्ड साइड है क्या उससे पैरेलल होगी, चलो चेक कर लेते हैं. इन दोनों को ज्वाइन किया, करेक्ट. नाउ क्वेश्चन वापस से पढ़ लो. प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों को अगर हमने ऐसे लाइन से ज्वाइन किया ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो प्रूव ये करना है कि ये जो DE है ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है. ठीक है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC. ठीक है, ऑलराइट. तो जो गिवन है वही से स्टार्ट करते हैं. गिवन क्या है, ये मिड पॉइंट है AB का, और E क्या है, AC का मिड पॉइंट. तो अगर मिड पॉइंट है तो ये इक्वल होगा, करेक्ट. सो इन ट्रायंगल ABC AD इक्वल्स टू DB, यस और नो, करेक्ट. ये AD इक्वल्स टू DB, यस और नो, AD इक्वल्स टू DB भाई मिड पॉइंट है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो DB को किसके नीचे लेके जाओ, AD के. ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू 1. ये है इक्वेशन 1. ठीक, नाउ ऑल्सो AE किसके इक्वल दिया है, AE इक्वल्स टू EC, AE इक्वल्स टू EC, EC को भी AE के नीचे लेके जाओ, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1, इक्वेशन 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन के 1 1, दोनों 1 के इक्वल है, RHS इक्वल है, LHS भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. अब AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC कब होता है, कन्वर्स BPT. क्वेश्चन में भी क्या बोला है, यूजिंग थ्योरम, ये कहां से आ गया, यूजिंग थ्योरम 6.2. सो यहां पे तुम लिखो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स BPT, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT. ठीक, इसके बाद डायरेक्टली लिख दो DE इज पैरेलल टू BC. ठीक है, हेंस प्रूव्ड. इजी था, इजी था, क्या ही था इसमें, कुछ नहीं था, ये मिड पॉइंट था, इसको इसके इक्वल लिख दिया, इसको नीचे ले जा करके इक्वेशन 1, सिमिलरली ये इसके इक्वल था, इसको नीचे ले जाके इक्वेशन 2, दोनों में से हमें क्या रिलेशन मिल गया, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें.